करनाल भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है, जिसे चावल के खेतों के लिए राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। करनाल शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, जो महाभारत काल के इतिहास को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शहर के नाम कर्ण के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित करनाल में पर्यटकों के आकर्षण सीमित हैं, लेकिन यह जगह हरियाणा में एक छोटी यात्रा के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। करनाल राज्य का प्रमुख पर्यटक स्थल होने के साथ साथ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और गेहूं अनुसंधान निदेशालय जैसे अनुसंधान और विकास के कुछ विश्व स्तरीय संस्थानों का घर भी है। बात दे यह शहर अपने पर्यटक स्थल के साथ स्थानीय खाने के लिए भी काफी फेमस है, जो पर्यटकों को करनाल की यात्रा करने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। नंबर एक, कर्ण झील करनाल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है, जिसे पर्यटक और स्थानीय लोगों द्वारा पिकनिक स्पॉट के रूप में बेहद पसंद किया जाता है। झील का नाम महाभारत के योद्धा कर्ण के नाम पर रखा गया है, जिस कारण यह झील शहर के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कर्ण झील में पर्यटकों बोटिंग कर सकते हैं और यहां बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। यह झील करनाल की एक ऐसी जगह है जहां आप प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब करनाल के सबसे पवित्र और तीर्थ स्थान में से एक है। यह गुरुद्वारा एक धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह गुरुद्वारा सबसे पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कारण देश के विभिन्न हिस्से से श्रद्धालु वह गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए इस गुरुद्वारे में आते हैं। के अलावा यह गुरुद्वारा सभी धर्मों और पंथों के लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। नंबर तीन, दुर्गा भवानी मंदिर। यह मंदिर देवी शक्ति के एक शक्तिशाली अवतार माता दुर्गा को समर्पित है, जो स्थानीय लोगों के लिए प्रमुख आस्था केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह मंदिर प्रतिदिन स्थानीय लोगों के साथ साथ नवरात्रि जैसी शुभ अवसरों पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जबकि दशहरा को मंदिर परिसर बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नंबर चार, करनाल छावनी चर्च। में अंग्रेज अधिकारी दफनाया गया है इसे, जिसे रोमन शैली में बनाया गया है। इस चार मंजिला टॉवर को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, जिसके शीर्ष पर एक शानदार सजावटी क्रॉस है। इस चर्च टावर की ऊंचाई 35 मीटर है। नंबर पाँच, अटल पार्क करनाल। शहर के सेक्टर 8 में स्थित अटल पार्क करनाल की सबसे खूबसूरत जगहें में से एक है। यह पार्क 55 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें इसमें एक ओपन एयर जिम, लिली तालाब, कुछ फव्वारे और 4 एकड़ में फैली एक झील भी शामिल है। अटल पार्क पर्यटकों के साथ साथ करनाल के पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि पार्क की हरियाली और शांत वातावरण परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने और कपल्स को यहां रोमांटिक समय व्यतीत करने के लिए आकर्षित करता है। इनके अलावा आप करनाल में मीरन साहब का मकबरा, सीता माई मंदिर, कर्णेश्वर महादेव मंदिर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।